चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से माता यशोदा ने भगवान को बांध दिया और किस तरह से भगवान उनका नाम पड़ा दामोदर, माने जो जिनके उदर में रस्सी बंधी है, जिनको पेट में रस्सी बांधकर बांधा गया है, दामोदरम भक्तिबद्धम। लेकिन वो दामोदर रस्सी से नहीं बंधे हैं, बल्कि वो भक्तिबद्धम माता यशोदा के प्रेम भक्ति से बंधे। पूरे दामोदर लीला में एक शब्द जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो यही है, क्या? भक्ति बद्धम, भक्ते जितत्वम, भृत्यवश्यता। भागवतम में शब्द आ रहा है भृत्यवश्यता, माने भगवान अपने भृत्य माने सेवा, भगवान अपने सेवकों के वश में। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है एकलेर ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। एकलेर ईश्वर कृष्णा, अकेला ईश्वर कौन है? कृष्ण है। खाली एकमात्र ईश्वर कौन है? कृष्ण है। आर सब भृत्य, और सब कौन है? भृत्य हैं, सभी लोग दास हैं। और यहाँ वर्णन आ रहा है कि भगवान क्या है, भगवान का एक गुण है भृत्य वश्यता, भगवान अपने दासों के वश में है। तो इसका क्या मतलब है? एकलेर ईश्वर कृष्ण, सभी लोग तो दास हैं और भगवान अपने दासों के वश में है, तो क्या भगवान सबके वश में है? सबके वश में नहीं। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी और क्लियर करते हैं कि ये भक्तिबद्धता, ये भृत्यवश्यता, ये उस प्रेम की वजह से है जो माता यशोदा के पास है। ये ब्रह्मा नहीं बांध सकते रस्सी से कृष्ण को, ये जो कृपा प्रसादम ले भी रहे गोपी, ये जो गोपी यशोदा गोपी जो है उनको जो ये कृपा मिली है, ये कृपा नेमम विरिंचो ना भवो, ना तो ब्रह्मा ना शंकर, और यहाँ तक कि जो उनकी अर्धांगिनी है विष्णु की लक्ष्मी, उन महालक्ष्मी को भी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन ये किसको प्राप्त हुआ है? ले प्रसादम ले भृगु, ये गोपी को, ये यशोदा माता को। तो यशोदा माता की भक्ति की और प्रेम की सर्वश्रेष्ठता को यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान भृत्यवश्यता तो उनका गुण है, लेकिन हर तरह के भृत, वो यशोदा माता जैसा जो भक्त है, जो पूरी तरीके से भगवान को अपने प्रेम से बांधना चाहता है, वो भृत्य उसके वश में है, क्योंकि शिव और ब्रह्मा के वश में नहीं है। ब्रह्मा ने तो थोड़ा प्रयास किया, ब्रह्म ब्रह्मोहन लीला में आपको पता है, तो उनको ब्रह्मा जी को भगवान ने सारा जो है क्लियर कर दिया। तो माता ने बांध दिया, तो क्या सिर्फ ये माता का प्रेम ही काफ़ी है भगवान को बांधने के लिए? जो भगवान को बांधा है, क्या उतने सिर्फ प्रेम काफ़ी है? तो हो क्या रहा था वहाँ पे कि जब माता ने सोचा कि मेरे जो कृष्ण है, इनका कमर तो मेरे हाथ के बराबर है ना, तो इसको तो मैं ऐसे ही बांध दूँगी, कोई बड़ी बात नहीं है। माता ने कभी सोचा नहीं था कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा, ऐसे ही सहज में बांध देंगे, बंधा रहेगा, अभी कहीं जंगल में नहीं जाएगा। कल डिस्कस कर रहे थे ना कि भगवान ने कहा अगर तुम मेरे को बानर बंधु बोल रही हो तो मैं कहाँ चला जाऊँगा, जंगल में चला जाऊँगा, बस बंदरों के साथ ही रहूँगा, तो शायद चला जाए, आज वैसे भी गुस्से में है, है ना, तो शायद चला जाए, इसलिए माता ने बांध देंगे, यहाँ बंधा रहेगा तो नज़र में भी रहेगा और थोड़ा सुधर जाएगा। तो माता ने सोचा कि तो कितना 3 साल का बच्चा है, तो माता के तो जो केस थे उनमें जो बांधने वाला जो रस्सी था उसको ही खोल के बांध दिया, तो जब बांधा तो 2 अंगुल छोटी पड़ गई, चलो कोई बात नहीं। तो जिससे मथानी जो मथते हैं दही, वो रस्सी लेके आई, उसको जोड़ के बांध दिया, फिर 2 अंगुल रह गई। तो फिर और रस्सी लेके आई,
तो पहले ही गोपियां कह रही थी जो साइड में, जब भगवान ने आवाज लगाई ना कि ओ रोहिणी, ओ बलराम किधर गए, ये देख लो आज मेरी माँ मेरे साथ क्या क्या कर रही है, कोई नहीं है घर में, तो है, तो वो रोहिणी ने तो सुना नहीं और पड़ोस की गोपियों ने सुन लिया, तो वो आ गई, वो कहने लगी कि हाँ आज देखो माता यशोदा को अब पता चला है, है ना। तो कहती है एनीवे इसको छोड़ दो, ये तो ऐसे ही है। तो माता यशोदा कहती कि नहीं आज तो इनको सबक सिखाना ही है, तो बंद ही नहीं रहे थे वो, हर बार दो अंगुल छूटा रह जाता है ना। तो माता ने सोचा ये तो और रस्सी ले गए घर से, और जितनी रस्सी थी सब लाके वो उसमें जोड़ती थी और वो दो अंगुल रह जाती थी। तो माता को क्या डाउट आया कि ना तो इसका पेट बढ़ रहा है, है ना, मतलब क्या हो क्या रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अगर इसका पेट बढ़ रहा हो तो समझ में आया कि भाई पेट बढ़ रहा है, ना तो इसका पेट बढ़ रहा है ना, तो चल क्या रहा है यहाँ पे। तो और प्रयास किया तो गोपियाँ कहती हैं देखो हम कह रहे हैं कि इसको मत बांधो, कि ये लड़के के भाग्य में बंधना लिखा ही नहीं है, इसलिए ये बंध नहीं रहा है, इसके भाग्य में बंधना लिखा ही नहीं है। तो माता ने कहा नहीं मैं तो इसे आज बांध के ही रहूँगी। तो गोपियों ने थोड़ा मजाक करने के लिए कि अच्छा बांध के ही रहोगी, तो गोपियां अपने घर से भी रस्सी लें, अच्छा तुम्हारे घर की रस्सी ख़त्म हो गई ले हमारे घर की रस्सी जोड़ के और बांधो, देखें आज बनता है कि नहीं बनता है। तो माता तो बिल्कुल परेशान हो गई, और माता ने बिल्कुल ठान लिया कि मैं तो इसे बांधूंगी ही। और जितना गोपियां कहती थी कि मत बांधो तुम इसको बांध ही नहीं सकती, तो उतना माता को लगता अब तो बांध के ही रहूँगी, है ना। तो यहाँ पे भगवान की जो विभूति शक्ति है वो प्रकट हो रही है कि भगवान को कैसे बांध सकता है कोई, भगवान तो सर्वव्यापी हैं, लेकिन माता को यहाँ पे ज्ञान नहीं रहा, माता को लग रहा है एक तो माता को ये कारण, पहला कारण क्या है, माता को लग रहा है मेरा पुत्र है, और दूसरा उनको ये उनकी जो योग माया की वजह से उनको ये ज्ञान ही नहीं है कि ये तो सर्वव्यापी है ना। तो इस वजह से वो प्रयास कर रही है कि बांधेंगे, और जैसे गोपियाँ कहती हैं कि मत बांधो तो और बांधेंगे, तो वो जैसे ही और रस्सी जोड़ें और प्रयास करें तो फिर वो दो अंगुल, हर बार दो अंगुल ही रहते। पहला तो माता को ये लग रहा था कि एक तो इसका पेट नहीं बढ़ रहा, फिर रस्सी जाती कहाँ है, एक तो पेट बढ़ नहीं रहा है तो रस्सी कहाँ जाती, दूसरा क्यों ऐसी भी रस्सी जोड़ो, छोटी जोड़ो बड़ी जोड़ो कैसी भी जोड़ो कम पड़ती है दो अंगुली, ये क्या सीन है। तो माँ कहती ये कैसा लड़का है, कुछ ना कुछ अजीब करता रहता है। तो जब और जोड़े तो गोपियाँ कहेंगे देखो मैं हम कह रहे हैं कि तुम इसके भाग में है ही नहीं बंधना, माता कहती तुम बांध कराऊंगी। और बीच बीच में माता यशोदा को हंसी भी आ जाती थी कि क्या चल रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से बहुत प्रयास किया माता ने, और इतना प्रयास किया कि माता को पसीना आने लगा ना, और उनके पूरा टायर्ड हो गए वो। और फिर इस प्रयास को देख के भगवान ने कृपा की कि वो अपने आप बंधने के लिए तैयार हो गए। तो भक्ति बद्धम, भगवान भक्ति से बंधते तो हैं, लेकिन ये भक्ति और ये प्रेम ही एकमात्र फैक्टर नहीं है। दूसरा फैक्टर क्या है, कृष्ण कृपा। तो भक्ति हम करेंगे, लेकिन अभी हुआ माता यशोदा का प्रेम तो था, है ना, लेकिन दो अंगुल छोटे पड़ने का मतलब है कि दो फैक्टर हैं भगवान को बांधने में। पहला भक्त का पूरा प्रयास, पूरा प्रेम, पूरी मेहनत, और दूसरा कृष्ण की। भगवान यहाँ अब बंध तो गए हैं, लेकिन माता को क्या लग रहा है, माता को लग रहा है कि ये मैंने बांधा है, है ना। और भगवान अपनी तरह से क्या कह रहे हैं कि मैं अपनी कृपा तुम्हारे ऊपर कर रहा हूँ इसलिए बंध रहा हूँ। माता कह रही मेरा बच्चा है ये बंधेगा कैसे, नहीं बंधेगा, अब देखो बांध दिया ना। तो माता का क्या भाव है कि मैं प्रेम से बांधूंगी, और भगवान की तरफ से वो अपनी कृपा करके ना भागवतम बनाना कि स्वबंधनम, वो अपने बंधन में वो अपनी कृपा करके
बंधन में बंध गए, माता को ये कृपा कर दी कि वो बांध सके, है ना। तो दोनों चाहिए, है ना। मतलब हम ऐसे नहीं कह सकते कि बस हम रोज़ मंदिर जाएंगे और कृष्ण कृपा हो जाएगी और सब काम बन जाएंगे, ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा या स्कूल कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा। हमें अपना प्रयास पूरी तरीके से करना पड़ेगा और कृष्ण की कृपा पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। कोई ये भी नहीं कह सकता कि मैं सिर्फ अपना कर्म करूँगा और सब बढ़िया हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है, और खाली बैठ के वैसा भी नहीं है, है ना। क्यों? गीता में भगवान ने अर्जुन को ये नहीं कहा कि तुम भाई आराम से बैक सीट पर बैठो, मैं अभी दो मिनट दो सब ख़त्म करके आता हूँ, नहीं। अर्जुन ने अपना काम करना है, अपनी सेवा करनी है और भगवान की कृपा भी चाहिए। जहाँ जहाँ ज़रूरत थी तो सामने दिखाए, नहीं तो वैसे तो सारी कृपा कृष्ण की थी। तो इस तरीके से भगवान बंध तो गए, कृपया सीत स्व बंधने, अपनी कृपा दिखाते हुए अब भगवान बंधन में बंध गए। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? इस वजह से राधा गोविंद महाराज बताते हैं कि ये उस समय तो बलराम जी नहीं थे, पर किसी ने जाके बलराम जी को खबर दे दी कि बस इतना बता दिया कि जो है कृष्ण को किसी ने रस्सी से बांध दिया, ऊखल से, है ना। अब ऊखल से क्यों बांधा था कि खल माने होता है जो बुरा, है ना। ये वैसे ही ये खल है तो ऊखल से माना है, इसीलिए जानबूझ के बांधा, है ना। तो बलराम जी को जैसे ही पता चला कि कृष्ण को बांध दिया, बलराम जी आए वहाँ से, बलराम जी भी हैं उतने से ही, थोड़ा ही तो फर्क है, वहाँ से आए, अरे कौन है जिसने कृष्ण को बांध दिया, मुझे जानता नहीं क्या, मैं हूँ संकर्षण, मैं शेषनाग हूँ, मैं संकर्षण के रूप में सिर्फ मेरी जो मुख से ज्वाला निकलती है उससे तीनों लोग भस्म हो सकते हैं, और शेषनाग के रूप में मैं पूरे ब्रज को अपने जहर से डुबो सकता हूँ, क्या ये जानते नहीं है कौन है वो जिसने कृष्ण को बांध दिया, क्या उसको इस बात का ज्ञान नहीं है। तो किसी ने ना कान में आके बोला, रहन दो भाई, माता यशोदा ने बांधा है। अच्छा, तो थोड़ी देर शांत हो गए। अब फिर जब वो शांत हुए तो कृष्ण ने देखा बलराम को, तो ना बलराम को देख के कृष्ण और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे, है ना, और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। तो फिर बलराम को ना फिर से थोड़ा वैसा भाव आया, है ना। तो बलराम अभी तो ऐसे ही पूछ रहे थे, अब बलराम को पता चल गया कि किसने बांधा है, मैया ने बांधा है। तो अब बलराम मैया को सुना के बोलते, मैया ऐसा ना लगे कि हम मैया को ही बोल रहे हैं, पर मैया सुन ले, हैं, अरे किसको पता नहीं है कौन इसको बांध दिया है, जानते नहीं कि यही सभी अवतारों का स्रोत है, यही है जो नरसिंह बन के आए और हिरण्यकश्यप को मार दिया, हैं, यही है जो बरा बन के आए हिरण्यक्ष को मार दिया, क्या इसको जानते नहीं, यही है जो राम बन के आए थे और रावण को मार दिया, क्या तुम इसको जानते नहीं जो इसको बांध दिया। माता आई उधर से, अच्छा ये नरसिंह है, हैं, ये राम है, अच्छा तुम कौन हो, मैं संकर्षण हूँ, मैं शेषनाग हूँ, अच्छा सारे अवतार मेरे ही घर में होने थे क्या, माने उठाइए एक छड़ी, तुम अगर अभी ऐसे बोलती तो तुम्हें बताऊँ तो भगवान बलराम जी वहाँ से भागी, माता जी सारे अवतार मेरे घर में होने थे, हैं, इधर आओ तुम, तो बलराम जी वहाँ से भाग गए। अब माँ उधर से जब चली गई थोड़ा, तो बलराम जी आए कृष्ण के पास, तुमको वहाँ से माता के पास से भाग के बलराम जी कृष्ण के पास आए और कहते यार तुमको बोला ना कितने बार मैंने समझाया चोरी चकारी मत करा करो, है ना। और तो माता यशोदा कहती है मैं देखूं आज कैसा भगवान है, तो ये नरसिंह है, अच्छा जब बिल्ली की म्याऊं सुनता है तो मेरे पीछे पीछे भाग आता है, ये नरसिंह है, हैं, कैसा नरसिंह देव है। और
ये राम है, अभी बताती हूँ ऐसा कैसा भगवान है ये कि दूसरों घरों में मक्खन चुराता फिरता है, सारे अवतार मेरे घर में हो रहे हैं, क्या बात हो गई। यानी बलराम वहाँ से भाग के आए कृष्ण के पास, कहते हैं कि मैंने तेरे से कितने बार कही कि ये चोरी मत करा करो, तुम एक तो काम ऐसे करते हो और अगर कर भी ली तो अपने ही घर में आज मैया के सामने, इधर उधर करते थे ठीक है एडजस्ट हो जाता था, अब मैं क्या करूँ बताओ। कोई और होता तो अभी एक सेकंड के अंदर उसको भस्म कर देता मैं संकर्षण, लेकिन मैया से कौन, मैं क्या करूँ भाई, है ना। और चलो करते थे चोरी ठीक है, मटकी फोड़ने की क्या जरूरत थी यार, कुछ तो सब्र करो, कुछ तो ख्याल करो, मटकी फोड़ दी, ऐसे होता है क्या। तो अच्छा चलो फोड़ी तो थी ठीक है, उत्ते से मान जाते भाई मेरे, मक्खन भी खिला रहे तुम बंदरों को, बर्बाद कर रहे, तो अब मैं क्या करूं, अब बता अब मैं क्या करूं। बलराम जी तो फिर उन्होंने ऐसे जब बलराम जी ने बोला तो कृष्ण और जोर से चिल्लाने लगे, ओके रे यार अजीब प्रॉब्लम हो गया आज तो। तो वहाँ से बलराम जी वापस फिर मैया के पास गए, अब संकर्षण नहीं अब शेष नहीं, मैया बोलो ना इसको, तो माता तो सुनी नहीं रही, खोल दो इसको, तू नहीं सुन रही। तो फिर इनको लगा शायद मैं दूसरे तरीके से बोलूं, तो मैया कह दे ठीक है मैं खोलूं क्या, इनको लगा शायद मैं ठीक है खोल दे यार तुम है दिमाग मत खराब हो, तो मैं खोलूं क्या, खोल दूं क्या। मैया तो बिल्कुल ठान के बैठी कि आज तो कुछ होना ही नहीं, तो नहीं तो फिर वापस आए, बोले भाई जैसा काम करोगे वैसा तुम्हें रिजल्ट मिलेगा, हमने इतने बार समझाया तुमने मानी नहीं, अब तुम आराम से बैठो। तो ऐसा कर बलराम जी ने बोला तो कृष्ण और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, तो जब वो और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे तो बलराम और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। अब कृष्ण रो रहे थे क्योंकि वो बंधे हुए थे, बलराम रो रहे थे क्योंकि हेल्पलेस थे, मदद नहीं कर पा रहे थे, है ना। तो फिर हुआ क्या उसके बाद है? बाद में मैया तो बिल्कुल नाराज़ थी, बलराम जी रो रहे थे, उनको ऊखल से बांध के गई थी। यानी वे यहाँ पर रुकते, आगे की लीला बाद में बात करेंगे, श्लोक तो हंस कर रह गया। वरम देव मोक्षम न मोक्षवदिम व न चान्यम वरणेहम वरेषादपिह इदम ते बपुरनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्या विरास्तम किम अन्य। तो अभी तक हमने तीन श्लोकों में ये चर्चा करी कि भगवान के रूप माधुर्य, रूप विशेष, सौंदर्य विशेष, लीला विशेष, गुण विशेष, परिवार विशेष, सब पे चर्चा किया। और अब सत्यव्रत मुनि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं, वरम देव मोक्षम न मोक्षवधिम वा, आप कौन हो समस्त वरों को देने, वरम देव मोक्षम, आप समस्त वरों को देने वाले हो, है ना। भगवान का एक नाम वरदराज भी है, सभी वरों को देने वाले, तो आप तो समस्त वरों को देने वाले हो, कुछ भी दे सकते हैं, पर मुझे क्या चाहिए, वरम देव मोक्षम ना, मुझे क्या चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। वरम देव मोक्षम ना मोक्षावधिम वा, मोक्ष नहीं चाहिए और मोक्ष से बढ़कर वो नहीं चाहिए, मोक्ष से बढ़कर क्या है, वैकुंठ का वास, वो भी नहीं चाहिए। वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम वा न च अन्यम व्रणे अहम वरेषात, और इसके अलावा और भी जो है वो भी मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मोक्ष से बढ़कर जो है मोक्षावधिम वा, मोक्ष से बढ़कर वो भी नहीं चाहिए, और इसके अलावा जो है वो भी नहीं चाहिए। इसके अलावा क्या है, श्रवण कीर्तन का जो आनंद है वो भी नहीं चाहिए। वृंदावन में श्रवण कीर्तन का जो आनंद है, सनातन गोस्वामी टीका में लिख रहे हैं कि मुझे वो भी नहीं चाहिए, मैं उस सुख की भी कामना नहीं करता। वरेषाद अपिया इदम ते बपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या विरासतम की मन्ने, तो चाहिए क्या। तो ये जो आपका गोपाल बालम,
ये जो गो इदम ते बपुर नाथ गोपाल बालम, ये जो गोपाल का जो बाल रूप है, सदा में मनस्या विरास्तम की मन, ये हमेशा मेरे मन में प्रदर्शित होता रहे, मेरे मन में हमेशा ये जो गोपाल आपका जो रूप है, इस गोपाल रूप का मुझे मेरे मन में हमेशा दर्शन होता रहे। मनस्या विरास्तम किम अन्य, इस अगर ऐसा हो जाए तो इसके अलावा मुझे और क्या चाहिए, किम अन्य माने और क्या जरूरत ही क्या है फिर इसके अलावा। इदम ते बपुरनाथ, मुझे क्या चाहिए, ये गोपाल नाथ जो आपका रूप है ये चाहिए। चार नाथ हैं, उत्तरम बद्रीनाथ, इधर जगन्नाथ, इधर द्वारकानाथ, नीचे रंगनाथ, चारों के सेंटर में गोपालनाथ। तो अगर गोपालनाथ मेरे हृदय में विराजित हो, हमेशा उनका दर्शन हो, तो किम अन्य, इसके अलावा मुझे और किसी चीज़ की क्या जरूरत हो सकती है। तो ये है उनकी प्रार्थना। सत्यव्रत मुनि सनातन गोस्वामी लिख रहे हैं कि सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं कि पहले तो तीन चीज़ों की तो चर्चा ही नहीं, यहाँ पे चार पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तीन की तो चर्चा ही नहीं, चौथे से ही बात सुनी कि मोक्ष ही नहीं चाहिए, तीन की तो चर्चा ही खत्म, मोक्ष नहीं चाहिए, मोक्ष के बाद जो चतुर्थ पुरुषार्थ है वो मोक्ष है, मोक्ष नहीं चाहिए, तो मोक्ष के बाद वैकुंठ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मोक्ष यहाँ पे जैसे पाँच तरह की मुक्ति है, पर यहाँ मोक्ष माने जनरली जो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं उसकी चर्चा है, वो नहीं चाहिए, तो उससे ऊपर सालोक्य माने हमें वैकुंठ में वास भी नहीं चाहिए। और फिर वृंदावन में रहते हुए श्रवण कीर्तन आदि का जो सुख है उसकी भी कामना नहीं है, है ना, 7:30 तक ना, तो उसकी भी कामना नहीं है। तो ये इसी सीक्वेंस में मोक्ष, वैकुंठवाद और श्रवण, श्रवण आदि का सुख, श्रवण कीर्तन का सुख, ये इसी ये स्टेप है। सबसे नीचे मोक्ष है, इससे बढ़कर चीज़ क्या है, वैकुंठ का वास, उससे बढ़कर है श्रवण आदि का कीर्तन वृंदावन में करना। तो ये इन तीनों को नहीं चाहिए, है ना, यहाँ पे भागवतम में वर्णन आ रहा है, कामम भव स्वब्रजिनेर निर येशु न स्तात, हे प्रभु हमारी प्रार्थना है कि आप चाहे हमें नरक में भी जन्म दें, नरक में भेज दें आप मुझे, पर हमारे हृदय में आप अपने चरण कमलों, हमारा हृदय और मन आपके चरण कमलों की सेवा में लगे, और हमारे कान हमेशा आपके दिव्य गुणों का श्रवण करते रहें, कीर्तन श्रवण सुनते रहें। हम मेरा मन किस में लगा रहा है, श्रवण कीर्तन में लगा रहा है, भले आप नरक में भेज दो, भले आप कहाँ भेज दो, नरक में भेज दो, लेकिन मुझे वहाँ पे क्या चीज़ दे दो, श्रवण कीर्तन की फैसिलिटी वहाँ हो। इसका मतलब क्या है कि जहाँ श्रवण कीर्तन का मिल रहा है, अनुभव मिल रहा है, या जहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है श्रवण कीर्तन की, वो जगह अगर नरक में भी है तो वो वैकुंठ से ज़्यादा आनंददायी जगह बन जाती है। जो जगह में श्रवण कीर्तन करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है वो जगह यहाँ वैकुंठ वास से भी बढ़कर बताई जा रही है, भले वो नरक में क्यों ना हो, है ना। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, वरम देव मोक्षम न मोक्षावलिम वा न चान्यम वर्णेहम वरे साधप, इसके अलावा यानी कि इस यहाँ पे ये सिद्ध हो रहा है कि कृष्ण के नाम रूप गुण लीला इन सब का श्रवण कीर्तन जो प्राप्त होगा तो नरक भी वैकुंठ से बढ़कर बन गया। लेकिन यहाँ सत्यव्रत मुनि क्या करें, हमें वो श्रवण कीर्तन का सुख भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, तो कृष्ण पूछ सकते हैं तो चाहिए क्या। तो ये जो वृंदावन का आपका जो गोपाल स्वरूप है ये मेरे हृदय में विराजमान हो, यही मेरे एक कामना है, है ना। कृष्ण कहते हैं कि आप मोक्ष का सुख ले लो, मोक्ष का वरदान ले लो, बोले मोक्ष का मैं करूँगा क्या, है ना, वहाँ जाके मैं करूँगा क्या, वहाँ तो कोई एक्टिविटी नहीं है, खाली सब लाइट ही लाइट है, उसका मैं करूँगा क्या, तो उससे तो कोई प्रयोजन ही नहीं बनता। और उसके बाद मोक्ष नहीं चाहिए तो मेरा
वैकुंठवास ले लो, चतुर्भुज रूप का दर्शन कर लो, तो बोले वो भी नहीं चाहिए मुझे, उससे भी कोई प्रयोजन नहीं। मेरे चित्त में तो आपके जो गोपाल स्वरूप है उसका दर्शन कंटिन्यूस करने का ही एक कामना है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये श्लोक में ये बताया जा रहा है, प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए, ये लाइन से आप बिल्कुल क्लियर है, इदम ते बपुरनाथ गोपाल वालम सदा में मनस्या विरासतम। इसके अलावा मतलब ऐसे बोल रहे हैं कि ये चाहिए नहीं, मतलब अगर ये मिल जाए तो इसके अलावा और ज़रूरत ही क्या है, फिर ये मिल जाए फिर क्या ज़रूरत है। तो अगला जो श्लोक है उसमें इसी गोपाल बालम जो रूप है इसको और थोड़ा आगे एक्सप्लेन करके उसी प्रार्थना को कंटिन्यू किया है। इदम ते मुखाम भोजम अत्यंत नीलैर व्रतम कुंतलय स्निग्ध रक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुंबितम बिंब रक्ताधरम में मनस्या विरासतम आलम लक्षलावे। इदम ते मुखाम भोजम अत्यंत नीलैर, ये इदम ये जो आपका मुखाम भोजम मुख कमल जो है अत्यंत नीले, ये अत्यधिक नीले रंग का, श्यामल रंग का, नीले रंग के कमल के जैसा है ना। व्रतम कुंतलई, व्रतम माने ये जो आप, व्रतम कुंतले माने जो आपके घुंघराले बाल हैं ये ऐसे सर्कल्स बना रहे हैं है ना, बार बार ऐसे है ना, फोटो में आप देखेंगे तो भगवान के घुंघराले बाल पे ऐसे सर्कल्स बना रहे हैं। पहले तो आप अभी गोपाल बालम बोल दिया ना कि मेरे को आपका गोपाल स्वरूप चाहिए, तब उसका और डिस्क्रिप्शन आ रहा है डिटेल में, जूम इन ना, तो उसमें क्या है, फेस है कमल, नीले कमल जैसा श्यामल है ना, बिल्कुल सुंदर, और व्रतम और उस पर उस मुख पे घुंघराले बाल हैं है ना, स्निग्ध रक्तई, और वो लालिमा से मतलब उस मुख में लालिमा भी है जो चमक रही है ना। इदम ते मुखाम भोजम अत्यंत नीले व्रतम कुंदले स्निग्ध रक्तैश्च गोप्या, तो उस मुहुश्चुंबितम बिंब रक्ताधरम में, तो जो मदर यशोदा, जो माँ यशोदा है, वो भगवान कृष्ण के इस गोपाल रूप के इस मुख का बार बार चुंबन कर रही हैं, इस वजह से उनके जो मुख है उस पर एक लालिमा भी आ गई है। समझ रहे कितना डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं सत्य है ना। तो यशोदा माता के द्वारा बार बार चुंबन करते हुए ये जो लालिमा आपके मुख पे आई है कैसी, बिंब रक्त धर्म में, भगवान के अधरों की यानी ओठों की तुलना बिंबा फल से की गई है ना, बिंबा फल का जो लालिमा है वैसे आपके जो है ओठ हैं। मुहुश्चुंबितम बिंब रक्ताधरम में मनस्या विरासतम आलम लक्षलावे, तो मेरे मन में अविरासतम विराजित रहे लक्षलाभे, अगर ये रूप जो ये वर्णन कर रहे हैं अगर ये रूप मेरे मन में हमेशा विराजित रहे तो मनस्या विरासतम आलम लक्षलावे, तो इसके अलावा लाखों और मुझे अगर वरदान मिल जाएं तो उनकी मुझे क्या ज़रूरत है, मेरा उनसे कोई प्रयोजन ही नहीं है, है ना। आलम का अर्थ निकाल रहे हैं कि अगर मुझे ये जो गोपाल रूप है, जो श्यामल रंग का कमल के जैसे आपका मुख है और इसके जो घुंघराले बाल हैं, बिंबा फल के जैसे आपके होंठ हैं, और उसमें माता यशोदा के द्वारा बार बार चुंबन करने की वजह से जो लालिमा चमक रही है, ये रूप अगर मुझे मेरे मन में प्रदर्शित हो, दर्शन हो बार बार, तो इसके बदले में अगर मुझे लाखों और वरदान दिए जाएं तो मेरा उन वरदानों से कोई प्रयोजन नहीं है, मुझे उनसे प्रयोजन माने मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो सत्यव्रत मुनि की प्रार्थना है कि वो भगवान के इस सुंदर गोपाल रूप का दर्शन करना चाहते हैं। ठीक है, तो 4 और 5 श्लोक यहाँ
पूर्ण होता है। इसके बाद क्या है, ठीक है, इसका कल करें क्या, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, आज चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं आगे। ये हो गया है, ये कथा कहाँ तक हो गया है, माता ने बांध दिया है। अब जो नल कुबेर मणिग्रीव को जो भगवान उद्धार करेंगे वो लीला कल से शुरू होगा। आज चाहे तो हम कर सकते हैं, चाहे तो कल। अभी दामन वो, ये वो लीला भी इसी में हुई थी ना, कार्तिक में वो जो रास हुआ था, महाराज हुआ था, शरद पूर्णिमा निकल गया, लास्ट में भी पूर्णिमा पे होगा। रास लीला मैं क्या सुनाऊंगा प्रभु जी, थोड़ा बता दे उसमें मैं क्या सुनाऊंगा आपको, बताइए। नहीं, उसमें गोपियों की शरणागति के बारे में बाकी कुछ अच्छा बता देता हूं। गोपियों की शरणागति तो इसी से पता चल जाती है कि उन्हें इस बात का भी डर नहीं कि हम नरक में जाएंगे, उन्होंने अपने पैरों की धूल भगवान के लिए दे दी, है ना। तो इसमें हम क्या बताएंगे, हमारा जप ही सही नहीं हो रहा है, रासलीला में क्या चर्चा करेंगे। वृंदावन गोपाल सेंटर में, ये भक्तों का भाव है, अलग अलग टीकाकार अलग अलग रूप से। गोपाल बाल गोपाल यही जो हमारे यहाँ पे शब्द गोपाल गोपाल शब्द यूज हो रहा है ना, इसलिए उन्होंने इतम ते बपुरनाथ गोपाल वालम, तो एक भक्त ने उसको ऐसे कनेक्ट किया है कि नाथ शब्द आया ना गोपाल नाथ, तो मैं बद्रीनाथ रंगनाथ है ना जगन्नाथ द्वारका नाथ सबके सेंटर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बैकुंठ, मतलब ये अलग अलग भगवान के रूप है ना, बद्रीनाथ में एक रूप है, रंगनाथ में लेटे हुए हैं, मुझे कोई कामना नहीं है, मुझे सिर्फ एक कामना कि जो गोपाल रूप है ये मेरे हृदय में प्रदर्शित हो, है ना। सत्यव्रत मुनि है ना, ये प्रार्थनाएं हैं ना। तो और कोई प्रश्न, प्रभु जी माता देव की और वासुदेव जी ने तो वरदान पाया था कि आप हमारे पुत्र के रूप में जन्म लो, पर यशोदा मैया के ही पुत्र बनकर क्यों पले, ये तो बताया था, ये नहीं बताया, लीला ही इसीलिए हो रही है। तो यशोदा मैया को भी कोई वरदान था कि हाँ कि वो उनके पुत्र बनकर, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, कैसे भी करके ये बात छूट गई थी तो आपने उसको छोड़ने नहीं दिया। एक्चुअली मैं यशोदा और नंद बाबा धरा और क्या नाम था उनका, उन्होंने पिछले जन्म में तपस्या की थी और ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दिया था कि ये है रहस्य, ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दिया था कि आपको कृष्ण जो है कैसे मिलेंगे बच्चे के रूप में आप उनको, है ना। तो यहाँ पर किसी को ये भ्रम ना हो जाए कि माता यशोदा को ब्रह्मा के वरदान के वजह से ये कृष्ण की माँ बनने का सौभाग्य मिला। ये हुआ तो ये हुआ कि उन्होंने तपस्या करी और ब्रह्मा जी ने वरदान भी दिया, ये हुआ है, लेकिन लोगों को ये भ्रम ना हो जाए, है ना, कि ब्रह्मा की वरदान की वजह से सब हो रहा है ना, ये भ्रम हो सकता है ना, अरे इनको तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था इसलिए सब कृपा है ना। तो एक्चुअली में सीन क्या है कि माता यशोदा जो हैं वो उनको कोई ये वरदान नहीं देगा कि आप कृष्ण की माँ बने, क्योंकि वो कृष्ण की नित्य माँ हैं। नंद बाबा और यशोदा माँ कृष्ण के नित्य माता पिता हैं, जो गोलोक वृंदावन में जो नित्य लीलाएं हैं, तो वो अब ऐसा नहीं है कि जैसे ये लोग नित्य पार्षद होते हैं, है ना। तो होता क्या है, जैसे आप कहो कि पांडव वगैरह सब यहाँ के नहीं, ऐसे नहीं, वो नित्य पार्षद हैं, श्री दामा मधुमंगल ये नित्य पार्षद हैं। तो होता क्या है कि कोई व्यक्ति या कोई देवी देवता तपस्या करता है भगवान की लीला में भाग लेने का, तो वो जब भगवान की लीला होती है तो उस अंश में, अब जैसे जिसने भाव इस भाव से प्रार्थना करी कि हमें माता वात्सल्य भाव चाहिए, तो वो माता यशोदा जब आएंगी ना नित्य लीला जब यहाँ प्रकट होगी, तो उस नित्य लीला में
माता यशोदा में वो अंश भी आएगा, है ना। तो जब ये लीला पूरी हो जाएगी तो माता यशोदा और कृष्ण तो नित्य धाम जाएंगे, लेकिन ये जीवात्मा जो है वो अपनी गति के हिसाब से जाएगा, वैकुंठ भी जा सकता है, भगवत धाम जाए। इसी कारण से द्वारका में जब सारे यदुवंश को भगवान ने प्लान किया है कि इनको अब लीला, भगवान कह रहे हैं कि हमारी लीला समाप्त करेंगे, तो भगवान ने सारे यदुवंश को द्वारका से ले जा के प्रभास क्षेत्र में ले गए। यहाँ पे भगवान ने लीला इसलिए करी है क्योंकि बहुत सारे देवी देवता आए थे भगवान की लीला में भाग लेने के लिए, और बहुत सारे उनके नित्य पार्षद भी आए थे, तो यही देवी देवता उनके पार्षदों के रूप में थे। माने जैसे अर्जुन जो हैं वो भगवान के नित्य पार्षद हैं, लेकिन जो इंद्र है वो उनका एक अंश भगवान की लीला में भाग लेने के लिए अर्जुन के उसी में है, मतलब साथ साथ है, जैसे आप समझ रहे हो ना। तो जब अर्जुन तो जाएंगे वहाँ और इंद्र जाएगा वापस वहाँ, समझ गया। तो अर्जुन जैसे कहते हैं ना कि इंद्र का अंश आया अर्जुन के रूप में और भगवान के साथ सखा बन के रहा, तो जो सखा बन के रहा वो तो नित्य पार्षद है, समझ गए। और जो इंद्र को भी ये सखा जैसे सेवा चाहिए थी तो वो भी दे दी। इसीलिए भगवान ने जितने जो ये देवी देवताओं वाला जो अंश था उनको लेके वो प्रभास क्षेत्र में आए। जो नित्य पार्षद थे वहीं द्वारका में रह गए थे, सब नहीं आए थे। और क्यों लेके आए, क्योंकि इनको अब लीला ख़त्म करनी है, तो इन लोगों को अपनी वापस जो ड्यूटी जो कर रहे थे स्वर्ग में या जहाँ जहाँ भी सेवाएँ वो कंटिन्यू करनी है ना, तो इनको वापस भी भेजना है, कहीं तो वो सेवा रुकी पड़ी है। और अगर ये प्रभास द्वारका के अंदर अगर इन्होंने शरीर छोड़ा तो द्वारका में जो शरीर छोड़ेगा वो तो वैकुंठ जाएगा, तो फिर वो सेवा रह जाएगी। तो भगवान वहाँ से इन अंशों को जो ये देवी देवताओं हैं इन्हीं को ही लेकर प्रभास क्षेत्र में आए, और इनको वहाँ पे वो लीला की मूसल लीला, और इनको वापस इनकी जहाँ जहाँ जो जिसकी सेवा थी उसमें वापस कंटिन्यू करो। और जो इनके नित्य पार्षद थे वो तो द्वारका में ही थे। तो माता यशोदा या नंद बाबा को ये डाउट क्लियर करने के लिए दामोदर लीला हो रही है। और सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, वो श्लोक 3-4 बार मैं बता चुका हूँ ना, कि नेमम विरंचो ना भवो, है ना। ब्रह्मा भी ऐसी कृपा नहीं मिल पाई, तो जब ब्रह्मा को ही ये कृपा नहीं मिल पाई तो ब्रह्मा ये कृपा किसी और को कहाँ से दे देंगे, आप समझ रहे हैं। तो ये डाउट अगर रह गया कि भाई ब्रह्मा को, धरा को ब्रह्मा ने वरदान दिया था इस वजह से वो कृष्ण की माँ का सौभाग्य, माँ बनने का सौभाग्य मिला, तो फिर तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी, माता यशोदा की पोजीशन वो हो जाएगी। इसलिए ये क्लियर किया जा रहा है यहाँ पे बार बार, है ना। नेमम विरंचो ना भवो ना शरीर अपि अंग संश्रया, ना तो विरंचो माने ब्रह्मा और ना शिवा, और जो उनकी अर्धांगिनी है श्री लक्ष्मी उनको भी ये कृपा नहीं मिली। अचानक क्या हो गया, बोध ब्रह्मन श्रेया एवं महोदयम यशोदा च महाभागा पापो यशः स्तनम हरिहि। नंदा किम अक्रोध ब्रह्मन, हे ब्रह्मन नंद ने ऐसा क्या किया, श्रेया एवं महोदयम यशोदा च महाभागा, यशोदा का ऐसा कैसा महाभाग्य है कि हे ब्राह्मण मधुर यशोदा ऐसा उनका क्या भाग हो गया कि वो हरि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड आके उनका स्तनपान कर रहे हैं, ऐसा क्या महाभाग्य है, ये क्वेश्चन है, है ना। तो आंसर में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि नंद और यशोदा जो है पिछले जन्म में धरा और द्रोण के रूप में थे, उन्होंने तपस्या करी, ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दिया कि वो भगवान को उनके पुत्र के रूप में प्राप्त करेंगे। तो असली बात क्या है कि ब्रह्मा की कृपा से यशोदा को कृष्ण की माँ बनने का सौभाग्य मिला है, ऐसा लोगों को लग सकता है। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पे कमेंट्री में बता रहे हैं कि ये बहुत बड़ा अन्याय होगा
that Yashoda who was Dhara during her previous life being blessed by Brahma was able to become the mother of Krishna. ये बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा अगर कोई ऐसे कहेगा कि यशोदा तो पिछले जन्म में धरा थी और ब्रह्मा के वरदान से उनको माँ कृष्ण की माँ बनने का सौभाग्य मिला. By the blessing of Brahma one cannot attain this position and the great fortune of this elevated level of prema. ये ब्रह्मा के वरदान से किसी को ये नहीं मिलेगा इतना ग्रेट सौभाग्य है ना. ब्रह्मा हैज प्रेड टू टेक बर्थ इन ब्रजा. अब क्यों नहीं मिलेगा ये है इसका सबूत, क्योंकि ब्रह्मा ने स्वयं ब्रज में एक क्रीपर माने लता या घास बनने का, कम से कम कुछ नहीं तो मुझे वही बना दो आप, ब्रह्मा ने ये प्रार्थना करी है ना 10:14-34 में ब्रह्मा कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं तो आप ब्रज का एक लता ही बना दो, है ना. तो ब्रह्मा खुद ये प्रार्थना कर रहे हैं तो वो कैसे ये आदेश पास कर सकते हैं, है ना. तो आगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसको और क्लियर कर रहे हैं कि परीक्षित महाराज को ये बात, परीक्षित महाराज ने क्वेश्चन पूछा है ना सुखदेव गोस्वामी से, परीक्षित महाराज को ये पता था कि नंद और यशोदा भगवान कृष्ण के नित्य पार्षद हैं, ये उन्हें पता था. पर उसको प्रश्न क्यों किया, और उन्हें ये भी पता था कि नो वन कैन बिकम नंद एंड यशोदा, और कोई नहीं बन सकता नंद और यशोदा क्योंकि वो तो पहले से ही हैं. Rather, they eternally reside in Goloka and are the eternal father and mother of Krishna. वो हमेशा गोलोक में नित्य रूप से रहते हैं और वो हमेशा नित्य उनके माता पिता हैं. This was known to Parikshit Maharaj from Surti and Smriti, but still he asked the question regarding the nature of tapasya of Nand and Yashoda had performed in order to receive such great fortune. In answer to this query, Sukhdev Goswami narrated the pastime of Dhara and Drona who were partial expansion of Nand and Yashoda. नंद और यशोदा के पार्शियल एक्सपेंशन है माने अंश हैं धरा और द्रोण. तो ये जो अंश हैं ये क्या हुआ, दिस पार्शियल एक्सपेंशन मर्ज्ड विद नंद एंड यशोदा व्हेन दे विद लॉर्ड श्री कृष्णा केम टू द अर्थ प्लेनेट. तो जब भगवान ये जो अंश थे धरा और द्रोण, जब भगवान कृष्ण आए लीला करने, माता यशोदा आई और नंद बाबा आए, उस समय ये उनमें मर्ज हो गए. ये अब समझ में आ रहा है, ऐसा बहुत सारों के साथ हुआ है ना. अलग अलग जो उदाहरण बताए हैं वो यही होता है, ठीक है. इसलिए यहाँ पे ये डाउट, इसलिए दामोदर लीला बताई गई है ना, ठीक है. और कोई प्रश्न? प्रभु जी, हम लोग जो अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम कौन से रस में चल रहे हैं? जी, हम तो साधक हैं शुरू में, अभी किसी रस में नहीं. साधक का तो साधक हैं, और वैसे अगर कहना हो तो ऐसे कह सकते हैं कि जैसे हमें भगवान ने, हमें हमारे गुरु ने दास स्वरूप भाव ही दिया है. नाम क्या दिया है? सच सच दास और दासी, है ना. तो दासताई का भाव दिया जा रहा है, और हमारा जो संप्रदाय है वो संप्रदाय भी दास का ही संप्रदाय है ना. गोपी भरतुर पद कमलयो दास दास दासान दास. हम तो दासों के दासों के दासों के दास हैं. कुलशेखर ने मुकुंदमाला स्तोत्र में 7 बार बोला है, तब भृत्य 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 भृत्य, 7 बार दास के दास के दास के दास के दास के दास. हमने उपदेशामृत में इस पर चर्चा करी थी, भक्ति रसामृत सिंधु में और ज़्यादा व्याख्या है कि अभी शुरू में व्यक्ति साधक के प्लेटफॉर्म पर रहता है. आदो श्रद्धा तथा साधु संघ, पहले श्रद्धा फिर साधु संघ फिर भजन क्रिया. जब भजन क्रिया शुरू होगी तब अनर्थ निवृत्ति. अनर्थ निवृत्ति में एक क्षण लगता है और हो सकता है कई जन्म जन्म भी लग सकते हैं. अनर्थ निवृत्ति सबसे लंबा प्रोसेस होता है ना, इसमें समय लगता है. तो अनर्थ निवृत्ति होगी, फिर उसके बाद निष्ठा, आसक्ति, रुचि, भाव, प्रेम. तो जब व्यक्ति इन स्टेजों में आगे धीरे धीरे बढ़ता है तो एक स्तर के बाद उसको, हमने बताया ना उपदेशा में, एक होती है आपन्न दशा.
उस स्थिति में आने पर उसको इस बात का अनुभव हो जाता है कि मैं सच सच लीला में ये हूँ, अभी हमें कुछ नहीं है, अभी हम बस दास हैं। अल्टीमेटली हैं सब दास ही, लेकिन वो दास जो हैं वो अलग अलग मूड में सेवा करते हैं, तो अभी हमें वो नहीं पता, इसलिए हम इन सब में हैं ही नहीं। हम तो इतना जानते हैं कि हमारे गुरु महाराज ने जो सेवा दी है हम वो करनी है, बात ख़त्म हो गई सारी, बस बाकी वो देखेंगे भैया कहाँ इसकी पोस्टिंग करानी है, ये तो गुरु महाराज देखेंगे। हमारा काम, हम अभी साधक के प्लेटफॉर्म पे हैं, हम अभी हरिनाम में, हम अभी नामाभास में हैं, नामापराध में हैं, शुद्ध नाम में ही नहीं है ना, तो अभी हम नामापराध में हैं। हम जब नाम कर रहे हैं तो हमारे हमसे अपराध हो रहे हैं, है ना, तो नाम अपराध की स्थिति में अनर्थ निवृत्ति बहुत मुश्किल है। तो जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी तो हमें भाव और रुचि आसक्ति निष्ठा ही नहीं है अभी, तो बहुत मुश्किल है ये पता कर पाना, है ना। पर अगर वैसे समझना हो तो प्रभुपाद ने और हमारी परंपरा में हमें दास का नाम दिया जा रहा है, माने हम दास भाव। थोड़ा अलग टॉपिक हो जाएगा बिल्कुल एकदम से, जो वहाँ बता रहे थे उसको बताना है, जो वहाँ बताया था मुझे लग रहा है अलग टॉपिक है, लोगों का मूड दूसरा है, आप कहें तो बता देता हूँ। अच्छा, तो प्रभु जी का एक प्रश्न है कि हमें लड़ाई छिड़ गई क्या, ये एयरफोर्स वाले चंद्रमा नहीं निकलने देंगे आज लग रहा है। तो प्रभु जी का प्रश्न है कि हम भक्ति में आने के बाद हमारा जो भाव है या जो मूड है वो क्या कर दिया। हरे कृष्णा, अजीब से हो गया, लग रहा मुझे खांसी है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हम भक्ति में आ गए हैं तो हमारा दूसरे लोगों से कैसा व्यवहार होना चाहिए, है ना, ये प्रश्न बोल देगा कि हम तो भागवतम में एक बहुत अच्छा श्लोक है जहाँ पे ये वर्णन आता है कि जो हमसे भक्ति में आगे हैं, मतलब दूसरे लोगों से हम कैसा व्यवहार करें, जो एज ए डिवोटी भक्त होने के बाद हम दूसरे लोगों से कैसे व्यवहार करें। तो जो हमसे भक्ति में आगे हैं उससे तो हमें सीखना है दया का, उससे सम्मान के भाव से मिलना है, और जो भक्ति के अगेंस्ट है, जो निंदा करने वाले हैं कृष्ण की भक्ति की, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं, उन्हें वो हमें आके हमें कुछ बोलेंगे हमें इग्नोर कर देना है, और जो हमारे समकक्ष हैं भक्ति में उनसे हमें क्या रखना है, भक्ति में ये बहुत इम्पोर्टेंट। एक्चुअली में प्रभु जी का प्रश्न असली चीज़ यही है समझना, क्योंकि अभी हम ना तो लीला में पहुँचे हैं नाम कुछ है, हमें तो बस सुन के थोड़ी देर अच्छा लगता है बाद में बस, है ना। तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है कि हम भक्ति में आने के बाद लोगों के साथ कैसा व्यवहार करें। तो जो हमसे भक्ति में आगे है उससे सम्मान आदर, उससे कुछ सीखने का है, उससे पूछें। जो भक्ति के खिलाफ है, अगेंस्ट है, वो हमारे साथ कुछ भी करें हम उसको इग्नोर करें, अगेंस्ट जो हैं ना, जो निंदा करते हैं कृष्ण की, नास्तिक हैं, उनसे हमें कुछ लेना देना, हम वहाँ जाएंगे नहीं कि आओ मैं तुम्हें मैं सिद्ध करूँगा कि कृष्ण भगवान, काहे के लिए टाइम वेस्ट करने का, है ना। तो और जो भक्ति में हमारे बराबर हैं, है ना, उनसे हमें मैत्री का भाव रखना है। जनरली ये यहाँ पे टफ होता है, जो भक्ति में हमसे बराबर हैं उनसे हम ईर्ष्या का भाव रखते हैं, है ना। तो उनसे हमें कैसा भाव रखना है, मैत्री का। और जो भक्ति में हमसे कम हैं, है ना, वैसे तो हम ही सबसे नीचे हैं, लेकिन अगर कोई लगता है व्यवहारिक स्तर पे कि अभी दो ही माला कर रहा है या अभी तो एक ही माला है, है ना, और हो सकता है कि नॉनवेज खाता हो, है ना, और बीड़ी सिगरेट चार नियम ना पालन कर पा रहा हो, चाय अच्छी लगती है अभी भी, है ना, नहीं छोड़ पा रहा है बेचारा,
चॉकलेट खा रहा है, प्याज लहसुन खा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति पर वो भक्ति में वो निंदा नहीं करते कृष्ण की, वो ये नहीं कह रहे कि कृष्ण है ही नहीं, वो भी सपोर्टिव हैं और पर हमसे नए हैं, बाद में जुड़े हैं, है ना। तो पहले तो ये समझना चाहिए कि हमें नहीं पता कि हमसे बाद में जुड़ा के पहले जुड़ा, क्योंकि हो सकता है पिछले जन्म में बहुत आगे तक गया हो, लेकिन फिर भी व्यवहारिक स्तर पर, जैसा प्रभु का प्रश्न है, व्यवहारिक स्तर पर तो हमें उनको घृणा से नहीं देखना, अरे क्या है, तो अभी तक प्याज लहसुन खाते तुम, अभी तक नॉनवेज छोड़ा नहीं प्रभु जी, क्या है ये, कितने साल हो गए इस्कॉन में जुड़े, 3 साल, क्या अभी तक चाय पीते, बस दो ही माला, मेरे सर हमने बताया करो नहीं, उनसे हम घृणा का और इस तरह का हीन भावना उनके साथ नहीं रखना है, ना कि उनको हमें दया का भाव रखना है, क्या भाव रखना है, दया का, कि उनको सुबह भी हम इस पर चर्चा कर रहे थे ना थोड़ा बहुत, कि महाराज का एक कोट आया था हिजोलने श्राधना साई महाराज का, कि आपने किसी, आप इस बात का घमंड ना करें कि हमने 4 नियम पालन करते हैं, 16 माला करते हैं, इस बात का घमंड ना रहे हमें बिल्कुल भी कि हम तो भक्त बन गए, इस बात का हमें बिल्कुल भी घमंड नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें भगवान का धन्यवाद देना चाहिए कि हमें भगवान ने ये सौभाग्य दिया कि हम जुड़ पाए भक्ति में। और जिन लोगों को ये सौभाग्य अभी उतना नहीं मिल पाया है, हम उन पर दया का भाव रखें, और महाराज तो महाराज हैं, महाराज तो इतना नेक्स्ट लेवल तक बोले हैं कि उन लोगों की हम सेवा करके, किनकी, जनरली ये तो कोई नहीं बोलेगा, सब लोग कहते भक्तों की सेवा करो, सीनियर भक्त, कि आप उनकी सेवा भी करो जो भक्ति में लेट हैं, स्लो हैं, उनको दिक्कत हो रहा है, तो उन पे दया का भाव रखो, उनकी सेवा करो, और जो सौभाग्य आपको मिला है वो सौभाग्य उनको शेयर करो, क्योंकि वो व्यक्ति आपको देख के उसको ये लगना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन में है, आपको देख के उस व्यक्ति को ये लगना चाहिए कि मुझे इसके जैसा बनना है, मुझे ये वो आपके पास आए कि आप ऐसा कैसे कर लेते हो, मैंने आपके साथ ये गलत काम किए और आप फिर भी गुस्सा नहीं होते, आप कैसे करते हो ये, तब आप बताओगे क्योंकि मैं ना ये चीज़ नहीं करता। जैसे मेरे से एक बार एक मेरे ऑफिस में एक कलीग ने मेरे से पूछा था कि यार इतना सब कुछ हो जाता है और तुम गुस्सा ही नहीं आता तुम्हें, तुम शांति खड़े रहते हो, है ना, तुम कुछ बोलते ही नहीं, तो ऐसा कैसे होता है, तो बस मेरे को पॉइंट मिल गया। मैंने कहा ना भगवद गीता में बोला है कि जो गुस्सा है वो रजोगुण की वजह से आता है, और रजोगुण जो है वो नॉनवेज खाने से आता है, जो राजसिक खाना है, प्याज लहसुन मसूर की दाल मशरूम, है ना, ये सब जो है नॉनवेज तो तमोगुण है, इनको खाने से रजोगुण बढ़ता है, मैं उसको नहीं खाता तो गुस्सा कम आता है। कहता क्या साइंस बताया यार, गीता में लिखा है क्या, मैं उसको दिखा दिया, बस अगले दिन से वो मान गया, ट्राई करने लगा, कम कर रहा है, बंद भी कर दिया। तो जब तक उसको ये नहीं लगेगा कि आप जो फिलॉसफी बोल रहे हो वो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वो आपकी बात नहीं मानेगा। हाँ भले आपका वही बच्चा हो, आपका कलीग हो, आपका भाई तू मेरे कंपनी में तभी जॉब करेगा जब प्याज लहसुन नहीं खाएगा, तो भले वो कह दे भैया, तो हमें कंक्लूजन में दया का भाव रखना है लोगों के साथ जो भक्ति में नए नए जुड़ रहे हैं, है हमारे ऑफिस में हो सकते हैं, हमारे मोहल्ले में हो सकते हैं, हमारे ऐसे सत्संग में हो सकते हैं नए नए, है ना, अरे तो अभी आए कितने हफ्ते हो गए प्रभु जी, 2 हफ्ते, अरे एक ही समोसा दो इसको, है ना प्रभु जी कब से आ रहे हैं, अरे प्रभु जी तो ब्रह्मचारी हैं, सैफ्रन ड्रेस पहनते हैं, प्रभु जी को समोसे के साथ रसगुल्ला भी दो, अरे बाबा उस जो नया आया है उसको ज़्यादा ज़रूरत है, ज़रूरत उसको ज़्यादा है हर चीज़ की, उसको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। अफकोर्स आप अपनी भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए जो सीनियर भक्त हैं उनको एक्स्ट्रा केयर एक्स्ट्रा सम्मान दीजिए, लेकिन वहाँ से प्राप्त की गई कृपा को जो नया व्यक्ति आया है उसके साथ अपमान करके, उसके साथ घृणा का भाव करके, वो जो कृपा वहाँ से उसको ख़त्म क्यों कर रहे है ना, तो उसको भी, बल्कि हमारे जो प्रभु जी थे, प्रभु जानते हैं, वो तो ऐसे ही कोई ढूंढते रहते थे कौन नया आया है, उसको बड़ा पीस केक का, उसको एक समोसा एक्स्ट्रा, जाते समय 2 रसगुल्ले पैक करके, वो सैटरडे के कोई अलार्म लगाते कब आएगा सैटरडे,
तो हमारे यहाँ सिद्धांत ये है, और इसीलिए हमारे जो प्रभु जी हैं उनने ऐसे ऐसे महान विभूतियों को भक्त बनाया, एक तो मैं हूँ है ना, ऐसे ऐसे उबड़ खाबड़ लोग, उजड़ लोग, उनको उन्होंने हार्ट परिवर्तन किया कि लोग विश्वास ही नहीं कर सकते है ना। तो जबकि उन्होंने आज तक, मैंने तो प्रभु जी इतने साल उनको राय पुनीत प्रभु जानते हैं, आने वाले हैं वो, इसीलिए तो हम सारे वृंदावन के प्लान उस डेट में सारा कैंसिल किया है। तो वो इतना विनम्र भक्त हैं प्रभु जी की, आपको पता ही नहीं चलेगा है ना, पता ही नहीं चलेगा, मतलब जितनी तारीफ करो उतनी कम। और उनसे मिलने के बाद हमारे यहाँ आईटी इंजीनियर आते थे, वो कहते थे प्रभु जी ऐसे बोल देते हैं तो हमें करना पड़ जाता है, मना ही नहीं कर सकते, वो प्रभु जी आप इतना विनम्रता से बोलेंगे ना, और हार्ट से, एक्सटर्नली नहीं कि दिखावा कर रहे हैं, हृदय से बोलेंगे प्रभु जी कार्तिक का महीना शुरू हुआ है, अगर आप चाहें तो रोज एक दिया ऑफर कर सकते हैं क्या। यार इतनी विनम्रता से क्यों बोल रहे हो आप, है ना। मतलब कई बार हम लोग जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते थे तो कई बार ये लोग ये कहते थे कि हमारे पास भगवद गीता है, ये इस्कॉन वाली है, लेकिन ये व्यक्ति इस तरीके से उनसे बात कर रहा है, मैं इसको मना नहीं कर सकता, वो ले लेते थे। और इन इतना फिलॉसफी में स्मार्ट, मैं एक बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन में गया, बहुत देर तक बात की एक बंदे से, उसने नहीं खरीदी, मगर यार प्रभु जी क्या है ये, इतनी देर से बात की उसने खरीदी, प्रभु जी इतनी देर तक भगवत गीता को पकड़े था वो, कितना उसको प्रभुपाद की कृपा मिल गई। वो कोई कुछ पूछेगा प्रभु जी ये पढ़िए आप श्लोक, उससे ही पढ़वा देगा, उसे क्या पता, वो पढ़ देगा बस, खरीदे ना खरीदे वो कहे देखो प्रभु जी एक श्लोक पढ़ाना इसने भगवत गीता का, फंस गया। और कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ उनके बैग में रहता था, ये ले खा ले, ऐसे करके फंसा लिया मेरे को। चलो बाबा देखी।